डेस्टिनेशन नंबर थर्ड है वो हम आपको दिखाएंगे, यहाँ तक ये पाइप पहुंचा है यहाँ तक। लेकिन जो पहली डेस्टिनेशन है इस पानी की जो आपके घर तक पहुंचता है, तो हम आपको बताएंगे, मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा इसका। आप एक हमने इस फेंसिंग एरिया के जो है जाना है, फेंसिंग एरिया के अंदर हमें जाना है, तो बहुत ही केयरफुली आज हम बिल्कुल उसी स्पॉट पे पहुंच गए हैं जहां पे जो है लिहिनमन वाटर सप्लाई का जो प्रोजेक्ट है, जहां से ये कनेक्ट होता है और जहां से बिल्कुल जो है इस वाटर सप्लाई स्कीम का जहां से सोर्स है, बिल्कुल हम उसी स्पॉट पे है। आज हम आपको बता देंगे एक एक चीज इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ये प्रोजेक्ट किस तरह से फंक्शन करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, बिल्कुल एक एक चीज हम आपको दिखाएंगे। यहाँ का व्यू भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरा कैमरामैन आपको व्यू भी पहले दिखाएगा, व्यू काफी ब्यूटीफुल है। लेकिन हम आपको बताएंगे जो लिहिनमन का जो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है जिसपे बहुत सारे गांव जो है डिपेंड करते हैं, सो फार देयर टैप वाटर इज कंसर्न, वहां वो जो है उसका जो सोर्स है वो बिल्कुल यहां से स्टार्ट होता है। अगर आप देख सकते हो ये वो पाइप है जिसके जरिए से यहां इस छोटे से स्ट्रीम से पानी इस पाइप में जाता है। बाद में आप देखो इस ये जो पाइप है बहुत सारे आगे बहुत सारे सम्प्स बनाए गए हैं, डैम्स बनाए गए हैं, उन सब चीजों के हम आपको एक एक डिटेल देंगे वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है और किस तरह से आपके घर में ये जो पानी है जो लिहिनमन से जिसका सोर्स लिहिनमन है, किस तरह से ये पानी आपके घर में पहुंचता है। तो ये दिस इज अ मिरेकल, आप देखो एक एक चीज हम आपको दिखाएंगे ये किस तरह से काम करता है। पाइप है कम से कम ये 12 इंच या 15 इंच का पाइप यहाँ पे लगा होगा, इसी पाइप में यहाँ से ये जो पानी है इसके अंदर जाता है, यहाँ से इसको चैनलाइज किया जाता है, फिर आगे आप देख सकते हो वो छोटे छोटे सम्प्स लगे हैं। चीज कहाँ से स्टार्ट होती है और जिस पानी को जो पहला जो है रिफाइनिंग प्रोसेस जो है, पहले पानी का जो रिफाइनिंग प्रोसेस है वो किस तरह से होता है, हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहला पॉइंट किस तरह से इस पानी को रिफाइन किया जाएगा, दूर से ही मैं आपको अपने कैमरामैन को बताऊंगा, जो इसका व्यू है आप पहले देखो किस तरह से आप इन सांपस में जो है थोड़े से आप इनको छोटा रिजर्वर भी कह सकते हैं, इनमें पानी जाएगा, फिर किस तरह से इनको प्रेशराइज किया जाता है, इस पानी को प्रेशराइज किया जाता है और बहुत ही बड़े प्रेशर के साथ इसे नीचे धकेला जाता है। बाद में आगे और बहुत बड़ा इसमें एक जो है डैम बनाया गया है, तो उस डैम के जरिए से भी इस पानी को जो है रिफाइन किया जाता है, साफ किया जाता है। तो वो सब चीजें हम आपको दिखाएंगे, एक एक करके दिखाएंगे। अब हमारे साथ रहिए, कंटिन्यू हमारे साथ रहिए, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहली चीज जो है वो अभी हम आपको दिखाएंगे, ये जो इसका जो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, जो पहली डेस्टिनेशन है इस पानी की जो आपके घर तक पहुंचता है, तो हम आपको बताएंगे, मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा इसका। आप एक छोटा सा व्यू इसका आप देख लो, यहाँ से ये बिल्कुल इस सांप में जाता है, यहाँ से इसको क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है। बाद में आगे इसके बहुत सारे पड़ाव है, बहुत सारे जो है रिजर्वर्स लगे हैं, बहुत सारे डैम्स लगाए गए हैं, जिनसे ये क्या होता है, प्यूरिफाई होता है ये पानी और उसके बाद ही ये आपके रिजर्वर्स में पहुंचते हैं, देन आपके जो है टैप्स तक पहुंचता है। तो ये सबसे पहला है, पहला पड़ाव इसका है, पहली डेस्टिनेशन है जो हमने आपको दिखाई है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि इसकी जो डेस्टिनेशन नंबर थर्ड है वो हम आपको दिखाएंगे, यहाँ तक ये पाइप पहुंचा है यहाँ तक। लेकिन यहाँ से आगे आप देखते हो यहाँ पे ये पूरा एरिया फेंसिंग की गई है, इसमें यहाँ से आगे आगे आप देख सकते हो एक डैम है और यहाँ से बिल्कुल उसके डैम के आगे एक छोटा सा एक सांप भी है जिसको आप सांप भी बोल सकते हो। तो उसके आगे डैम है और ये वही डैम है जहाँ से वो जो पानी है पूरा पानी अब वहीं से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो है जो आपके जो रिजर्वायर्स है वहाँ तक वो पूरी तरह से पहुँच जाएगा। हम आज आपको इस डैम का भी पूरा जो है थारो व्यू इसका भी देंगे। अभी आप देख सकते हो हम लोग इस जो है ये फेंसिंग एरिया जो है इसमें घुसेंगे, आपको पूरे जो है डैम का पूरी तरह से आपको लुक दिखाएंगे। हमने इस फेंसिंग एरिया के जो है जाना है, फेंसिंग एरिया के अंदर हमें जाना है, तो बहुत ही केयरफुली जो है मैं अपने फ्रेंडों को बोलूँगा आप बहुत ही केयरफुली अंदर आ जाओ। तो ये इस तरह से हम जो है पहुँच गए, आप देख सकते हो जो है ये जो है इसका व्यू आप देख सकते हो, अभी जो है डैम का व्यू अभी आ रहा है। तो हमने जो है आपको बताया था कि
जो पानी है उसका भी हम जो है बिल्कुल कितना अमाउंट ऑफ वाटर है एक्चुअली आज आप देखोगे कितना अमाउंट ऑफ वाटर आपको लिहिनमन से आता है। तो मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा कि वो थोड़ा सा आगे जाए और इसका एक्चुअल व्यू आपको दिखाए। नाउ यू कैन सी दिस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर दैट रीचेस टू योर होम, दैट रीचेस टू योर टैप्स एंड लेटर यू यूज इट, लेटर यू ड्रिंक इट। ये है उसका जो है व्यू, ये आप देख सकते हो, ये व्यू है उसका, बहुत ही फैंटास्टिक व्यू है, बहुत ही बढ़िया व्यू है, आप देख सकते हो बढ़िया। ये आज का हमारा ट्रिप बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा है, बहुत ही मज़ा आया आज, और हम आपको भी ये दिखाते हैं कितना अच्छा व्यू है। तो आप देखते रहिए कश्मीर ईगल आई। तो ये पाइप जो है, ये पानी जो आप देख सकते हो, अब ये पानी यहाँ से निकलेगा, ये पाइप है, अब ये यहाँ से पानी जाएगा आगे बिल्कुल इसी तरह से जाएगा, और इसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है लिहिनमन का जो स्पॉट है, सुपर लिहिनमन इज कंसर्न, इसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है। वैसे ऊपर तो बारिश स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे मौसम बहुत ठंड है, बारिश भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन हम आपको इसका व्यू दिखा के रहेंगे। तो यही पानी जो है ये आपके घरों तक पहुँचता है, आपके रिजर्वर्स तक पहुँचता है। तो ये तो सही बात है कि गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, बहुत ही प्रोजेक्ट जो है हमें दिया है। तो लेकिन इसको भी अगर हम देखेंगे, इसमें भी अब बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो हमने करनी है, उसके बाद ही ये जो प्रोजेक्ट है सक्सेसफुल हो सकता है। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो पूरे कश्मीर में, मतलब पूरे वर्ल्ड में वाटर स्कर्सिटी का इश्यू है। अब आप देखो, अगर इतने रिसोर्सेज आपके पास होंगे, वाटर रिसोर्सेज, तो बनता है ना उनको चैनलाइज करना, तो दिस इज़ वेरी फैंटास्टिक प्रोजेक्ट, ये बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है। लेकिन आप पहले इसका पूरा व्यू देखो, मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा, ये जो पाइप है पहले इसको दिखा दो। यहाँ से ये पानी जो है नीचे ड्रॉप होता है, बाद में ये जो डैम आप देख सकते हो, इतना बड़ा डैम है, इसमें ये क्या होता है, डिपॉजिट होता है पानी, फिर उसके बाद नीचे इस तरह से पाइप्स फिट किए गए हैं, वो जो ये जो पानी है बिल्कुल साफ शिफा आपके घर तक पहुंचता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये पूरी तरह से, इससे पहले आपने सुना भी होगा कि ये पानी जो है गंदा है बिल्कुल, दैट इज अ मिथ, वो बिल्कुल मिथ है, वो बिल्कुल सही नहीं है। आप देख सकते हो ये पूरी तरह से, इसमें इसकी फेंसिंग लगाई गई है, पूरे डैम में देखो कंपाउंड चारों तरफ से जो है पूरे डैम में कंपाउंड लगाया है। तो आप देख सकते हो हम कैसे, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये पूरी तरह से फेंसिंग इसमें दिखाई देती है, कोई भी बंदा इसमें अंदर नहीं जा सकता है, और वहाँ जो इसके राइट साइड में एक बहुत ही बड़ा कंपाउंड इसमें लगा है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता है, ना ही इसमें कोई गंदा पानी ऊपर से आ सकता है और उसके नीचे जो है इसके अंदर जा सकता है, बिल्कुल ये प्योर वाटर है। तो बिल्कुल अगर कोई आपको बोलता है कि ये पानी गंदा है, वहाँ से पानी गंदा आता है, तो वो इसका फॉल्ट नहीं है, वो जो फॉल्ट है वो जो इसको ऑपरेट करते हैं उनको इन इश्यूज़ को देखना पड़ेगा। तो हमारी यही गुजारिश है सब लोगों से, और ख़ासकर डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि आप इसको इम्प्रूव और कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, और ख़ासकर हमारी जो इस यहाँ पे जो ड्यूटी करते हैं, जिनको पोस्टिंग पे लगाया गया है, जो भी पीएचई के जो मुलाजिम है यहाँ पे, एम्प्लाई है, उनको इसका विजिट करना है, उनको देखना है, उनको इसको ऑपरेट करना है सही ढंग से, सब चीज़ों का क्लियर उनको करना है। तो फिर भी मैं आपको बताऊंगा, फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि ये बहुत ही फैंटास्टिक प्रोजेक्ट है, और किस तरह से अगर आप खुद यहाँ पे आओगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाओगे। सबसे बड़ी जो लोगों की डिमांड है ना इससे रिलेटेड, इस वाटर सप्लाई स्कीम से रिलेटेड, जो लिहिनमन की वाटर सप्लाई जो है, एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम भी हमने बताया था आप लोगों को कि ये करोड़ों का प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। हमने आपको बताया था लोगों की डिमांड है, वो चाहते हैं कि यहाँ से जो ये पानी जाता है ना आगे, जहाँ जहाँ जिस डेस्टिनेशन पे ये पानी जाता है, जिस विलेज में ये पानी जाता है, वहाँ पे उनके वहाँ एक फिल्ट्रेशन प्लांट लगना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये जो है रन ऑफ वाटर है, आपके पाइप के जरिए से आता है, तो कभी कभी थोड़ा कुछ चीज़ें इसमें होती है, जो है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इसको एक फिल्ट्रेशन प्लांट की ज़रूरत है। खासकर हम अपने गाँव की बात करेंगे, विलेज कूठेर, पुशरू, अंदूरा, और भी इसके साथ पहलू और जितने भी विलेजेस इसके साथ कनेक्टेड है, तो वो बहुत जो है गवर्नमेंट से यही डिमांड करते हैं कि जो फिल्ट्रेशन प्लांट इस अभी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है,
तो उस पे काम लगना चाहिए जल्द। लोगों की भी ये डिमांड है, पहलू हो, कुठेर हो, पुशरू हो, कोई भी विलेज इसके साथ जो कनेक्टेड है, जहां जिनको ये वाटर सप्लाई यहां से मिलती है, उन सबकी यही डिमांड है आखिर पर कि जो फिल्ट्रेशन प्लांट अंदूरा में हो वो जल्दी से जल्दी चालू हो जाए।